कोई कहता है यहाँ एक लड़की की आत्मा घूमती है, कोई कहता है यहाँ पीपल के पेड़ में भूतों का बसेरा है, किसी को यहाँ पहुंचते ही किसी के होने का आभास होता है तो कोई डर कर भाग जाता है। इन्हें बातें कहें या अफवाह या फिर अंधविश्वास, लेकिन ये सब जुड़ा है मुंबई की मुकेश मिल से। आप देख रहे हैं एनबीटी क्राइम, मैं हूँ आपके साथ रेणु जोशी। हमारी स्पेशल सीरीज हॉन्टेड प्लेसेस पर जारी है और हम हर जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस कड़ी में आज कहानी मुंबई की मुकेश मिल्स की। मुंबई के कोलाबा में बनी एक मिल जो 160 साल पहले तक आबाद हुआ करती थी, जो कई लोगों के आमदनी का जरिया हुआ करती थी, जहां लोग काम करते थे, जहां दिन रात काम चलता था, वो मुकेश मिल्स सालों से भूतिया के नाम से मशहूर है। ना सिर्फ आम लोग बल्कि बॉलीवुड स्टार्स भी इस जगह पे आने से डरते हैं, इसे हॉन्टेड मानते हैं। इस सबसे नाम जुड़ा है अमिताभ बच्चन का, बिपाशा बसु का, वरुण धवन का। कोई खुलकर कुछ नहीं कहता, लेकिन यहाँ जाने से तो लोग दिन में भी डरते हैं। ये इतनी खतरनाक जगह लोग बताते हैं इसको। 160 एकड़ में फैली ये मिल सालों से ऐसे ही वीरान है। टीम एनबीटी हॉन्टेड प्लेसेस पर अपनी पड़ताल जारी रखे हुए है और इन अंधविश्वासों से जुड़ी कहानियों को अपने व्यूवर्स के लिए सामने ला रही है। इस मिल के बारे में एक बात सबने बताई और ये बात थी इससे जुड़े उस हादसे की, जिसके बाद ही लोग इसे अपशकुनी, मनहूस, भूतिया तक कहने लगे। इस मिल से आग का गहरा नाता रहा है। मुकेश मिल को साल 1852 में बनाया गया था, लेकिन कुछ समय बाद ही 1870 में यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ। इस मिल में काम चल रहा था, मजदूर अंदर थे, तभी यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो गया। मिल के अंदर आग लग गई। आग के कारणों का पता नहीं था, लेकिन हादसे में कई लोगों की जान चली गई, कई परिवार बर्बाद हो गए, किसी के पिता की मौत हो गई, किसी के भाई की, किसी की बेटी मरी तो किसी की माँ। उसके बाद कई सालों तक इस मिल में काम बंद रहा, लेकिन कुछ सालों बाद फिर से इस मिल को खोला गया, इसको शुरू किया गया, यहाँ पे काम शुरू हुआ। दूसरी बार जब मिल शुरू हुई तो लोगों को उम्मीद जगी कि एक बार फिर लोग यहाँ आने लगे, काम करने लगे कि शायद सब कुछ ठीक से हो। लेकिन कहते हैं कुछ समय बाद ही यहाँ फिर से आग लग गई। उस हादसे में भी कईयों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद इस मिल को फिर से कभी शुरू नहीं किया गया, ये हमेशा के लिए वीरान हो गई। लोगों ने इसे भूतिया कहना शुरू कर दिया। हाँ, इस मुकेश मिल में फिल्मों की शूटिंग जरूर हुई, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि बॉलीवुड स्टार्स भी इसे हॉन्टेड मानने लगे और उन लोगों में शामिल हो गए जो इसे भूतिया कहते थे। ऐसी खबरें हैं कि वरुण धवन और यामी गौतम फिल्म बदलापुर की शूटिंग कर रहे थे तो उन्हें यहाँ आत्मा के होने का एहसास हुआ। इसके अलावा बिपाशा बसु भी यहाँ शूटिंग के दौरान काफी डर गई हैं। अमिताभ बच्चन को लेकर भी कहा जाता है कि वो चुम्मा चुम्मा दे दे की शूटिंग के दौरान इस जगह को हॉन्टेड मानने लगे थे, उन्हें भी किसी अदृश्य शक्ति के होने का एहसास हो रहा था। यहाँ के बारे में लोग बताते हैं कि इस मिल की चिमनी के पास एक पीपल का पेड़ है। लोगों का मानना है कि वही पीपल का पेड़ अदृश्य शक्तियों का बसेरा है और यही शक्तियां यहाँ लोगों को काम नहीं करने देना चाहती और इसीलिए ये मिल बंद है और फिर से आबाद नहीं हो पाई है। जब भी इसे शुरू करने की कोशिश की जाती है तो किसी ना किसी कारण से यहाँ पर आग लग जाती है। खैर, ये अंधविश्वास वक्त के साथ लोगों के दिमाग में बैठना तो लाजमी था, क्योंकि जो जगह सालों से वीरान पड़ी रहती हैं, खंडर बन चुकी होती हैं, उसके बारे में इस तरह की अफवाहें अक्सर देखने को मिल जाती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। एनबीटी क्राइम देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।